बनावट और रासायनिक प्रयोगों की निशानी है और लौकी, कद्दू व अन्य सब्जियों का बड़ा आकार रासायनों की कला मात्र है। कद्दू और लौकी सहित अन्य सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए कुछ सब्जी विक्रेता ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, इससे मानव शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसी तरह केला और आम जैसे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग होता है, यह कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा करता है। अनार तरबूज में भी लाल रंग लाने के लिए केमिकल प्रयोग किए जा रहे हैं। शहर के फल गोदामों की जांच भी जरूरी है। अरहर की दाल में विकलांग बना देने वाला खेसारी मिलाकर बेचा जा रहा है। हल्दी मसालों में लकड़ी का बुरादा मिला हुआ है। लकड़ी का बुरादा लिवर को भी डैमेज कर देता है। सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले आजोजमिन मोबिल से लिवर डैमेज और कैंसर तक हो सकता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व की बात है कि हमारा परिवार ताजा और स्वास्थ्यवर्धक खाने का प्रयोग करे। स्वास्थ्यवर्धक खाना परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को किसी भी प्रकार के दर्द से दूर रखता है, युवा वर्ग को स्वस्थ और एक्टिव बनाता है और बच्चों को ऊर्जा और ताकत देता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अपने परिवार को जो खाना दे रहे हैं वो पूरी तरह से पोषक है? आजकल खाने पीने की चीजों में मिलावट बहुत ही आम बात हो गई है। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुले में जितनी चीजें बिकती हैं उनमें लगभग 64% खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है। दूध, पनीर, चाय और तेल से लेकर मसालों तक में मिलावट जमकर हो रही है। ये मिलावट सेहत के लिए हानिकारक है दोस्तों, इसलिए इसे सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसकी पहचान नहीं कर पाते। आज हम आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप घर बैठे ही इन मिलावटी चीजों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। मेलाकाइट ग्रीन, हरी सब्जियों को हरा दिखाने के लिए, आपको बता दें यह रंग कार्सिनोजेनिक है, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कैंसर कारक है। अगर आपको जरा भी शक हो तो बाजार जाते वक्त साथ में कॉटन का टुकड़ा रखिए, लिक्विड पैराफिन में डुबोकर। थोड़ा पता कीजिए, मिल जाएगा लिक्विड पैराफिन कहीं ना कहीं। सब्जियों को लेने से पहले छांटते वक्त स्क्रब कीजिए इस कॉटन से। अगर मिलावट वाला हरा कलर मेलाकाइट ग्रीन होगा तो कॉटन पे आएगा। बस फिर क्या है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत अधिकतम 2,00,000 रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है वेंडर को, अगर आप चाहें तो। फ्रोजन मटर, हम अपने फ्रिज में अक्सर फ्रोजन मटर के पैकेट का स्टॉक रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पैकेट्स में मेलाकाइट ग्रीन नामक डाई तत्व पाया जाता है, जिससे पेट संबंधी गंभीर बीमारियां, अल्सर, ट्यूमर आदि होने का खतरा होता है। फ्रोजन मटर में मौजूद मिलावट की जांच करने के लिए मटर के दानों में से एक हिस्से को पानी में डालकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर पानी रंगीन हो जाता है तो मटर में मेलाकाइट ग्रीन की मिलावट होती है। यह सबसे आसान तरीका है। सेब, एप्पल, कहा जाता है कि सेब खाने से आप डॉक्टर को दूर भगा सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पॉलिश सेब को खाने से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मोम से पॉलिश ताजा दिखने वाले सेब आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सेब में मिलावट की जांच करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस एक ब्लेड लीजिए और सेब को हल्के हल्के खुरचिए। अगर चाकू में सफेद अर्क है तो वह मोम है, और ऐसा करने से आप मोम खाने से बच जाएंगे। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये 5 बातें, आप हमेशा सेफ रहेंगे। सिर्फ मौसमी फल सब्जियों का ही सेवन करें, बेमौसम वाली सब्जियां व फल मिलावट के पहले शिकार होते हैं। नंबर 2, फ्रोजन और पैकेज सब्जियों से बचें, सबसे पहले इन्हीं के दूषित होने की संभावना होती है। आकार में बड़ी हाइब्रिड किस्म की सब्जियों से बचें। सब्जियां घर लाने के बाद फ्रिज में स्टोर करने से पहले सिरके यानी विनेगर के पानी से धोएं, इससे बहुत हद तक हानिकारक तत्व बह जाते हैं। देखिए, कंप्लेंट कीजिए जहां की चीजें आपको मिलावटी लगे। अगर आप चुपचाप मुंह ढककर आगे निकल जाएंगे और मन में सोचेंगे कि इस दुकान पर अब कभी नहीं आएंगे, तो ये मान के चलिए दोस्तों आप भी गुनहगार हैं, क्योंकि आपने कंप्लेंट नहीं की तो हो सकता है कोई और इंसान उस दुकान से सामान ले और उस परिवार, उसके नन्हे बच्चे, बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाएं। तो चॉइस आपकी है, मिलावटी लोगों का शिकार करिए, नहीं तो शिकार बन जाएंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन आपके लिए है। धन्यवाद।